ए बी व सी के आय का अनुपात है 7:9 और 12 और व्यय का अनुपात है 8:9:15। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है और बी सी से 900 रुपये अधिक बचाता है तो तीनों की बचत क्या है? यानी हमें अनुपात आय का भी दे रखा है, बचत का भी दे रखा है, आय का भी दे रखा है और व्यय का भी दे रखा है, और पूछा जो गया है वो बचत पे गया है। देखो, ए बी और सी, आपके पास आय का जो अनुपात है वो है 7:9 और 12, और जो व्यय है इनका उसका अनुपात है 8:9 और 15। अब हमें ये पूछा गया, बोला गया है कि बी है वो सी से 900 रुपये अधिक बचाता है और ए है वो अपनी आय का 1/4 भाग, मतलब अगर उसकी आय 4 है तो 1/4 भाग मतलब बचत कितनी हो गई 1 और व्यय कितना हो गया 3, यानी 1/4 भाग बचाता है चौथा हिस्सा, यानी 4 अगर इनकम है तो 1 बचाएगा और 3 क्या कर देगा, खर्च कर देगा। ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बचत चाहिए, तो बचत चाहिए उसके लिए मुझे बचत का अनुपात चाहिए। अब ये इसका 1/4, अब 7 का 1/4 मैं नहीं कर पाऊंगा, कि अगर इसका 1/4 करना हो तो देखो 7 का नहीं कर पाऊंगा, 28 का मैं कर सकता हूँ, पर ये सभी की सभी जो वैल्यू है वो आपस में कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर देखो इसको मैं 28 कर भी देता हूँ तो 1/4 भाग बचाएगा, 1/4 भाग हो गया 7, यानी 7 बचाएगा तो खर्च कितना करेगा 21। अब 8 को 21 के बराबर करना पड़ेगा तो इस केस में मेरे लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा ही आपको अगर इन दोनों को ऐसे मल्टीपल में बांटना हो तो पहले हम इनको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। जैसे इनको बराबर कर दिया तो ये 56 बना दिया और ये भी 56, हमें पता है इसको 8 से गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा, इसको 7 से गुणा करेंगे तो 56। अगर इसको 56 बना दिया तो इसे 8 से गुणा हो तो ये 72 हो जाएगा और ये 96 हो जाएगा, क्योंकि इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई होगी। वैसे ही इसको 7 से गुणा किया, 56 हो गया तो ये भी 63 हो जाएगा और ये 15 सत्ता 105 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी। अब मेरे लिए ये वैल्यू बनाना आसान हो जाता है कि 4 हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्से खर्च करता है, 1 बचाता है, मतलब इसको मैं 4 से गुणा कर दूं, 4 हिस्से बन गए, इसको मैं 3 से गुणा कर दूं, 3 हिस्से बन गए, और जो 1 हिस्सा है 56 वो क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। यानी 56 को 4 से गुणा करोगे तो 224 आएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 168 आएगा, यानी गुणा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, 224 आए हैं, 3 गुणा इस तरीके से हो जाएगा। पर यहाँ से ये, अगर इसको 4 से गुणा करूँगा, इसको 3 से गुणा करूँगा तो ये भी 4 गुणा हो गया और ये 3 गुणा, क्योंकि अनुपात सभी के सभी बढ़ेंगे। तो यहाँ तो 56 वैल्यू आ गई। अब देखो, यहाँ 72 को 4 से गुणा करोगे तो 7 चौका 28, मतलब 288 वैल्यू बन जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से 4 कम है तो 400 से 16 कम हो जाएगा, 384 वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई की। वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 63 दिया होता है 189, क्योंकि 60 की 3 से गुणा करोगे 180, 3 से गुणा करोगे 9, इधर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सीधा सीधा ही 300 क्या आ गया, 15। यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये 4 से गुणा होगी 3 से, यानी 1 हिस्सा बचेगा तो 56 बचेगा। इधर आप देखेंगे कि 288 और 189, तो यहाँ आप देखोगे कि 99 की बचत हो रही है, इनमें अंतर आ जाएगा 99 का। और इधर देखोगे कि 384 और 315 हैं तो 384 से 15 माइनस करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 69, यहाँ 69 की बचत हो रही है। और हमें चाहिए क्या था, अनुपात बचत का, कि हमें वैल्यू भी बचत की दे रखी है और पूछा भी क्या गया है, बचत। तो अब तक हमने सिर्फ क्या किया है कि 1/4 अगर ये बचत करता है तो हमने इसको 1/4 के लिए ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं चौथा हिस्सा इसका बचा पाऊँ, और ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचत आ गई। अब यहाँ से आपको आपके पास आ गया ए बी सी, ए की बचत आ गई 56, बी की बचत आ गई 99
और सी की बचत आ गई 69, मतलब 69। कह रहा है कि बी है वो सी से 900 रुपये अधिक बचाता है, तो बी सी से अनुपात कितना अधिक बचा रहा है, 30। यानी 30 अनुपात की वैल्यू आ गई आपके पास 900, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई आपके पास 30। अब आगे आपके लिए सेम है, अगर एक ही बचत पूछे तो इसकी गुणा 30 से, यानी 56 दिया होता है 168, यानी 1680। बी की बचत पूछे तो 30 से गुणा 99 दिया होता है 297, मतलब 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 दिया 210 होता है, तो वैल्यू आ जाएगी 207, मतलब 2070। तो आपसे किसी एक की बचत पूछी जाएगी। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि इनकी बचत का अनुपात बताओ, तो अनुपात तो यही खत्म हो जाता कि ये आपका अनुपात आएगा।